सेवा में आने के उपरांत अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अहमियत वाले दिन और 60 या 58 साल के बाद वो जब उसको सहारे की जरूरत होती है उसको चिंता किए और बगैर इनकी एनपीएस को बंद करके करनाल के अंदर आज जो सीएम सिटी बोला जाता है उस सीएम सिटी में आज कर्मचारियों का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री समझें। ये जनाक्रोश है और जनाक्रोश सिर्फ हमको पुरानी पेंशन से है, पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो, इस मांग को लेकर के आज इस मैदान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन बहाल करें। एनपीएस जो व्यवस्था दिया है वो पूरी तरह से कंपनी आधारित है, शेयर आधारित है और हमें नौजवानों को पसंद नहीं है। हरियाणा सहित देश में 60 लाख ऐसे एम्प्लाईज हैं जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं जो प्रबल इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ आज नेशनल टीम के एनएमओपीएस के नेशनल टीम के हैदराबाद से हमारे आए हैं महासचिव साहब श्री प्रजन्ना साहब, सुखजीत जी रेलवे से हमारे हैं भाई, तमाम सारे विभागों से सारे लोग आज यहाँ आए हुए हैं। सिर्फ एक संदेश आज हम देना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, माननीय मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री हैं आप रहें, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए। और एक सवाल भी करता हूँ, अगर एक दिन का विधायक और एमपी एमएलए पुरानी पेंशन का हकदार है तो 60 साल का कर्मचारी इम्प्लाइज क्यों नहीं हकदार है, ये सवाल है। आज अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, यहाँ के जो हमारे राज्य प्रभारी हैं धारीवाल जी ऋषि नयन जी इन सब लोगों ने जो मेहनत और जो ताकत दिखाई है आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते कि हरियाणा की इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक रैली आज साबित हुई। आज अगर हमारी सरकार से जो वार्ता होगी जो उनकी तरफ से आएगा मैसेज उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से लेंगे, अगर इसके बाद भी नहीं सुनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर 28 अक्टूबर को सांसदों के घर पर उपवास है। ये इतिहास में पहली बार घटना हुई कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि आपके घर के उपवास करेगा और अगर मेरे उपवास को आपने नहीं ध्यान दिया 19 आपको उपवास कराने की भी तैयारी करूंगा। और अगली डेट जो सारे नेशनल टीम ने तय किया है 26 नवंबर को संसद मार्च है और देश के इतिहास में वो सबसे बड़ा रैली होने जा रही। आज भी असम से कश्मीर से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से तमाम जगहों से सूचनाएं आ रही कि हमारे रिजर्वेशन हो गए हैं, वो मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मैं न किसी पार्टी न किसी पद से हमारा है, हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है पुरानी पेंशन बहाल करें। क्यों? ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक हक है। क्यों? ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है, इसलिए हम आपसे मांग करते हैं। मैं विजय कुमार बंधु एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुखजीत जी उपाध्यक्ष, महासचिव हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब श्री प्रजन्ना जी हरियाणा हैदराबाद। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। हरियाणा सरकार नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जो पेंशन की बात करेगा हमारी पेंशन। कर्मचारी एक, कर्मचारी एक,
साथियों